उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के कमाऊं मंडल में कर्मचारी और संसाधनों की भारी कमी देखी जा रही है। विभाग में 1382 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 973 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। इन खाली पदों के लिए हर महीने एमपीआर निदेशालय को भेजा जाता है। पशु चिकित्सक ग्रेड 2 कर्मचारी पदों की बात करें तो मंडल में 120 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 102 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, जबकि 21 पद खाली हैं। प्रसार अधिकारी के 44 पदों में 28 कर्मचारी काम कर रहे हैं, जबकि 17 पद अभी भी खाली हैं। इस मामले में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि स्टाफ और संसाधनों की कमी का मामला उनके संज्ञान में आया है, लिहाजा पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा। मुझे आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से इसका मैं परीक्षण कराऊंगा। यदि किसी प्रकार की कोई कमी स्टाफ से लेकर या संसाधन निश्चित रूप से पशुपालन विभाग जन कुमाऊं मंडल में टोटल हमारे 1382 पद स्वीकृत हैं, जिसके अंगेज ने 973 अभी पद में कार्मिक कार्यरत हैं, पदस्थ हैं। इस तरह से 490 पद हमारे यहाँ रिक्त चल रहे हैं, और इसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी की बात करें तो इनके 20 पद, पशुधन प्रसार अधिकारी अवलिक क्षेत्र प्रसार अधिकारी बात करें तो इनके 198 पद, वैक्सीनेटर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात करें तो इनके लगभग 200 पद, इतने पद हमारे रिक्त हैं। और जहाँ तक जैसे आप कह रहे हैं कि शासन को लिखा गया, शासन को तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन हमारी प्रत्येक माह हम जो हम अपनी एमपीआर देते हैं स्थापना वाली, जो हम अपने निदेशक महोदय को प्रत्येक माह लिखते हैं इस संबंध में। पशुपालन विभाग में कर्मचारी और संसाधनों की कमी लगातार देखी जा रही है, और इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिन्हें इलाज के लिए अपने पालतू जानवरों को लेकर आना होता है। नियुक्ति के इंतजार में कई पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, और कई समय से मांग लगातार उठती आ रही है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। 973 पद ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं, नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। संसाधनों की भी कमी लगातार देखी जा रही है। आपको बता दें कि 1382 पद हैं, जिनमें से 973 कर्मचारी नियुक्तियों के इंतजार में ये पद खाली पड़े हैं।